सारी होम मेकर्स अपने रेगुलर लाइफ को तो अच्छे से डील कर ही लेती हैं, लेकिन होम मेकर्स के सामने चैलेंज तब आ जाता है जब हमारे घर में कोई इवेंट होता हो। भले ही वो छोटा मोटा इवेंट जैसे बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या कोई अदर इवेंट क्यों ही ना हो, बट इसमें हमें थोड़ा सा हेडेक होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, क्या बनाना है, क्या पहनना है, क्या खिलाना है। तो आज आइए, फिर से लेके आ गई हूँ अपने ब्लॉग में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके ये चैलेंजेस दूर हो पाएंगे। देखिए माय लवली एंड ब्यूटीफुल होम मेकर्स, जब भी आपके घर में कोई इवेंट होने वाला हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी पार्टी हो, किसी भी टाइप का गेट टुगेदर हो, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना कि प्लानिंग करना है, और वो भी प्लानिंग करना है आपको पेन पेपर के साथ। ऐसे ही दिमाग में बस प्लानिंग नहीं करना है, प्लानिंग में आपको सब कुछ लिखना है, आपका स्टार्टर में क्या रहेगा, मेन कोर्स में क्या रहेगा, साथ ही साथ आप लोग अदर पेज पे प्लानिंग कर सकते हैं कि आप कौन सी ड्रेस वियर करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स कौन सी ड्रेस वियर करेंगे, कुछ आप ड्रेस कोड रखना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो इसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही आसानी होगी, कुछ चीज़ भूलने का टेंशन नहीं होता है कि हम ये चीज़ भूल गए, याद नहीं आया टाइम पे। तो ये जो पेन पेपर प्रोग्राम है ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और मैं अक्सर इस फॉर्मूला को जरूर फॉलो करती हूँ। देखिए कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे वाइब्स को चेंज करना, और अपनी वाइब्स को चेंज कर सकते हैं ना हम छोटे मोटे चेंजेस करके अपने घर में। जैसे नए अगर कारपेट्स हैं, डोर मैट्स हैं तो उसको आपने लगा दिया, बेड शीट चेंज कर दी, या कुछ डेकोरेटिव पीस रख दिए, तो इससे क्या होता है ना कि जब लुक चेंज होता है ना तो आपकी वाइब्स चेंज होती है, पॉजिटिविटी आती है, और आपको भी फील होता है कि हाँ घर में आज कुछ डेली रूटीन से हट के कुछ अलग होने वाला है। तो मैं इस फॉर्मूले पे भी काम करती हूँ, जब भी कोई ओकेज़न होता है मैं नई नई चीज़ें लाती हूँ, और थोड़ी बहुत तो चीज़ें लाती ही हूँ। तो अभी मैं लाई हूँ डोर मैट, एक तो किचन के लिए रनर है लंबा सा, और ये साथ में थोड़ा सा अमेजिंग सा डोर मैट है, ये न्यू ट्रेंड का है, न्यू स्टाइल का है, देखने में तो ये रबड़ का है, और जहाँ से मैं ले रही थी लोकल मार्केट से ही मैंने लिया था, तो मुझे लग रहा था ये वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए था बाथरूम के सामने प्लेस करने के लिए, बट वहाँ वो लोग गारंटी दे रहे थे कि हाँ वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर का इसका एरिया है ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से बना हुआ है ऐसा बताया गया। और अभी तक मैं ये बिछा रही थी बाथरूम के सामने, जो कि मेरा 2-2.5 साल से चल रहा है, और ये भी बहुत अच्छा होता था, 30 रुपीज़ का था ये, बट ये वाटर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। बट जो ये अभी मैं लेके आई हूँ रबड़ का मैट या माइक्रोफाइबर मैट, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही जल्दी ये सूख भी जाता है, और रियली में ये बहुत अच्छे से पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल भी फिसलन वाला नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए तब होता है जब हम सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे घर का साइज़ तो बड़ा नहीं हो पाता है, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, बट हमको सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसे बनाना चाहिए कि जितने भी लोग आएँ वो कंफर्टेबली अच्छे से बैठ पाएँ, सबके लिए जगह हो जाए, कोई भी हौच पौच ना हो। तो ये मेरे पास देखिए एल शेप का सोफ़ा है, और ये एल शेप का 5-सीटर सोफ़ा है, एक्चुअली मैं ये कहने को 5-सीटर है, बट यहाँ पे देखिए सीट 4 सीट ही अवेलेबल हो पाती है बैठने के लिए, क्योंकि इस कोने में तो कोई जाके बैठेगा नहीं, तो ये एरिया इसका वेस्ट चला जाता है। तो आइए यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट के टिप्स मैं ऐसे दिखाऊंगी कि इस 5-सीटर सोफ़ा को आप 10-सीटर सोफ़ा में प्लेस कर पाएंगे, और इसका एक पार्ट और है जो कि हम बेडरूम में रखते हैं। तो चलिए लग जाते हैं काम में, और इस लिविंग रूम का पूरा लुक चेंज कर देते हैं, जहाँ पे 5 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट है ना, वहाँ पे 10 से 12 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं। कैसे बना रही हूँ? She puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wanna dance to the light.
से सोफा होता है ना उसमें ज्यादा स्पेस नहीं हो पाता है लोगों के बैठने के लिए। हाँ, लेकिन देखने में तो वो काफी अच्छा लगता है। तो जब ओकेजनली हमारे घर कुछ ज्यादा लोग आने वाले हो ना, तो आप ये कर सकते हैं कि इसके दोनों जो पार्ट हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये मैंने एल को, छोटे पार्ट को एक साइड कर दिया है, बड़े पार्ट को एक साइड कर दिया है। अब इसके बीच में मैं रखूंगी, इसी के साथ का ये सेट है जो 3-सीटर टाइप का है, तो इसको मैं बीच में कर दूंगी। तो ये तो ये देखिए पूरा सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया है मैंने, और जहाँ सिर्फ 5 लोगों की सीटिंग दिख रही थी ना, वहाँ पे अब इस पे आ जाएंगे 2 लोग। ये जो ये साइड इसका ब्लॉक हो रहा था ना एल शेप के कारण, अब ये देखिए दोनों साइड इसका ओपन हो गया है, तो यहाँ पे 2 लोग बैठ जाएंगे। अगर आपके घर में भी एल शेप सोफ़ा है ना और ज़्यादा लोग आ रहे हैं ना, तो इस तरह आप उसके पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं। साथ में ही इस सोफ़े का ये पार्ट है, तो इस पे भी 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे, और यहाँ पे हमने अलग कर दिया है। तो देखिए इस सोफ़े का भी एल शेप का जो बड़ा वाला पार्ट है ना, वो भी अलग हो गया है, तो यहाँ पे भी 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। साथ ही मैंने लगा दी हैं 2 चेयर, और चेयर के बीच में एक छोटा सा स्टूल रख दिया है, तो ये भी बैठने के बहुत काम आएगा। तो ये देखिए हमारे जो डेली बेसिस का हमारा सिटिंग है ना, उसको हम आसानी से चेंज करके अगर हमारे घर में कुछ ओकेज़न है तो स्पेस को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा लोगों की सिटिंग को मैनेज कर सकते हैं। खाना घर पे बनेगा या बाहर से आएगा, ये भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर खाना बाहर से आ रहा है तब तो आपको ढेर सारा टाइम मिल जाता है खुद के लिए, बट अगर आप खाना घर पे बना रही हैं ना, तो थोड़ा सा आपको इरिटेशन भी हो सकता है। तो मेनू में आप वही चीज़ें रखिए जिसको कि आप इजीली बना सकें, जिसको कि आप, जिसको बनाने में आप एक्सपर्ट हों। एक्स्ट्रा टाइम देने की या आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगी कि आप अपने स्पेशल डे को, स्पेशल ओकेज़न को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएंगी। तो वही चीज़ें बनाइए जो चीज़ आप एक्सपर्टीज के साथ बना सकती हैं। साथ में जो भी बना रही हैं खुश होके बनाइए, मेनू भले कम हो लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए। यही है एक टिप फूडिंग के लिए। तो आज है हमारी 9th वेडिंग एनिवर्सरी, जिसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, और ये मिला है मुझे गिफ्ट मेरे हस्बैंड की तरफ से। तो देखते हैं खोल के कि इसमें क्या है। चलिए ओपन करते हैं अपना एनिवर्सरी गिफ्ट और दिखाते हैं आप लोगों को कि हमको क्या मिला है। तो मुझे मिला है ये 5-in-1 हैवेल्स ब्रांड का हेयर स्टाइलिंग किट, जिसमें कि 5 अटैचमेंट्स दिए हुए हैं। क्रिम्पर है, स्ट्रेटनर है, कर्लर है 2 टाइप के, और एक है वॉल्यूम मेकर, जिसको यूज़ करना, सारे अटैचमेंट्स को यूज़ करना, अटैच करना, डिटैच करना काफ़ी आसान है। साथ में जो इसका हैंडल है वो गर्म भी नहीं होता है। तो अब फटाफट से हम इससे रेडी होके आते हैं और शेयर कर रही हूँ अपने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की कुछ क्लिप्स। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो मिलते हैं, चलिए अब इसी से हेयर स्ट्रेट करके रेडी होते हैं और मिलते हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के साथ में। Do it all again. We wanna.
मेकर्स, ये था आज का ब्लॉग कुछ सेलिब्रेशन क्लिप्स के साथ, कुछ होम मेकिंग टिप्स के साथ और कुछ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हैक्स के साथ। तो इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। हेलो 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 हेलो, कार बहुत अच्छी है। अच्छा। I don't know.